कांग्रेस पार्टी के लिए एक बुरी खबर आ रही है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह काफी समय से बीमार चल रही थी, जिसके चलते हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी और वर्तमान में दिल्ली की कांग्रेस अध्यक्ष भी थी। दिल्ली में लगातार 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाली शीला दीक्षित को कॉलेज के जमाने से ही राजनीति में दिलचस्पी थी। छात्र राजनीति में भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। पंजाब के कपूरथला में जन्मी शीला की स्कूलिंग जीसस एंड मेरी स्कूल में हुई, फिर यही कॉलेज की पढ़ाई की। कांग्रेस के दिग्गज नेता उमाशंकर दीक्षित के अफसर बेटे विनोद दीक्षित से शीला की शादी हुई। ससुर उमाशंकर दीक्षित कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। उनका शीला पर गहरा असर था, उनकी हर बारीकी को करीब से देखती थी। ससुर ने भी यह बात समझ ली कि शीला को राजनीति पसंद है। उन्होंने धीरे धीरे शीला को गुर सिखाना शुरू कर दिया। फिर वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि शीला को परिवार की विरासत संभालना पड़ी। ट्रेन में सफर करते वक्त पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया। फिर 1991 में ससुर के निधन के बाद उन्होंने ही राजनीति संभाल ली थी। 1984 में पहली बार कन्नौज से चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची। गांधी परिवार की हमेशा से करीबी रही। राजीव गांधी कैबिनेट में उन्हें संसदीय कार्य मंत्री के रूप में जगह मिली। बाद में उन्हें राज्य मंत्री भी बना दिया गया। सोनिया गांधी के सत्ता संभालने के बाद भी उन्हें पूरी तवज्जो दी गई। 1998 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। इसी साल पूर्वी दिल्ली से उन्हें मैदान में उतारा गया। यहां शीला के दम पर कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज की, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। यह सफर शानदार चल रहा था, फिर आम आदमी पार्टी वजूद में आई और शीला की सत्ता जाती रही। 2013 के बाद से वह हाशिए पर चल रही थी। पिछले दिनों उन्हें दोबारा मुख्य धारा से जोड़ा गया। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शीला को दोबारा कांग्रेस की कमान सौंपी दी गई। शीला को कांग्रेस के उन चंद नेताओं में गिना जाता है जिन्होंने पार्टी का साथ मुश्किल वक्त में दिया है। गांधी परिवार की करीबी भी रही है। दिल्ली में बेहतरीन काम के लिए उन्हें जाना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना यह है, शीला दीक्षित जब चुनाव हारी थी तो वह एक विरोधी लहर का शिकार हुई थी। ऐसा नहीं था कि उनके काम में कोई कमी थी या जनता उनसे नाराज थी। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद भी उन्हें जनता का प्यार मिलता रहा। शीला दीक्षित को एक मंजी हुई राजनेता के रूप में जाना जाता रहा है। दिल्ली के पत्रकार नितिन यादव ने एक वाक्य शेयर किया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले हमें किसी काम से शीला दीक्षित से मिलने जाना था। हम घर पहुँचे तो वह नहीं थी। उनकी बेटी लतिका से मुलाकात हुई। हमारे कागजों में थोड़ी सी गलती थी, इससे भड़क कर लतिका ने हमें वापस रवाना कर दिया। तभी शीला दरवाजे पर आ गई, हमें वापस अंदर ले गई, बेटी को फटकार लगाई और हमसे अच्छे से मुलाकात की। बेटी की हरकत के लिए माफी भी मांगी। हमें संतुष्ट करके ही घर से रवाना किया। इस तरह के कई वाक्य हैं जो शीला को यादगार बनाते हैं। आज 20 जुलाई को दोपहर 4 बजे के आसपास हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। राजनीति की दुनिया का चमकता सितारा इस देश ने खो दिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।